press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखो कल आप लोगों को न्यूक्लियस बताए थे मैं, तो न्यूक्लियस में क्या देखे थे, एटम्स के अंदर तीन मूल पार्टिकल, तीन बेसिक पार्टिकल पाया जाता है। उस बेसिक पार्टिकल को आप इस स्ट्रक्चर से याद रख सकते, देखिए PEN, ठीक है। इसमें देखिए P से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी एटम्स के अंदर ये तीन पार्टिकल्स पाए जाएंगे। एक एटम्स के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, तीन पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। ये हो गया, ठीक है। एक फ्लिप आप दूसरा देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम्स के तीन कण हैं और इस तीनों कण के खोज के बारे में, इसके लिए एक दूसरा ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक से इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ईट पर नाच, ईट पर नाच, इससे देखिए क्या बन जाएगा, इससे देखिए ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, पा से बन जाएगा प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन। तो ये तीनों पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, तीन पार्टिकल्स। अब इसका खोजकर्ता देखिए, टा से हो जाएगा टॉमसन, टॉमसन, उसके बाद पास रा से रदरफोर्ड, और चा से चैडविक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया खोजकर्ता। स्टॉप कर दो। उसके बाद देखिए किस वर्ष इसका खोज हुआ, उसका भी एक ट्रिक है। इसमें देखिए आप इसको याद रखिएगा, एक मोबाइल नंबर है 98 97 91 99 32, हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये पहला अंक डिलीट कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या बचा, 897, ये 919 932, और सब के आगे लगा दीजिए एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में, प्रोटॉन का 1919 में और न्यूट्रॉन का 1932। जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और